हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सोलो बैकपैकर अमन। आज है दिन एतवार 28 जुलाई, और जैसा कि यार आप लोगों को पता है कि अपना एक चैलेंज चल रहा है, मुझे कमाना है जोमेटो में 90 दिन के अंदर 1 लाख रुपया। आज है अपना डे 37। आज यार पहले तो मैंने अपने की सुबह 6 से 7, 7 से 8 ब्रेक, लेकिन क्या हुआ ना, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, वीडियो एडिट करते करते रात लेट हो गया था। तो फिर मैंने सुबह 6 से 7 और जो 8 से 9 वाली गिग थी वो कैंसिल कर दी। अभी जो मेरी गिग बुक है वो 9 से 11, 11 से 12 ब्रेक, 12 से 6, 6 से 7 ब्रेक, 7 से रात 10 बजे तक की बुक करके रखी है। देखते हैं कि आज कितने का काम होता है। आज संडे है, बारिश के भी आसार हैं कुछ कुछ। अगर बारिश आ जाए संडे वाले दिन तो भाई मजा आ जाएगा, लेकिन बारिश बादल इंद्रदेव अपने साथ प्रैंक कर रहे हैं फिलहाल, तो रोज बादल आते हैं निकल जाते हैं, ऐसे ही चल रहा है। अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। तो मिलते हैं सीधा मोटो ब्लॉगिंग मोड में। 9 बजे आईडी लॉगिन करनी थी, 8:50 पर ही आईडी लॉगिन कर दी मैंने, पहले ही पहुंच गया था ना यहाँ पर। तो अपने पास 8:51 पर पहला ऑर्डर आ गया भाई, विदेशी से उठाना है, 1 किलोमीटर का पिकअप है, 4 किलोमीटर का ड्रॉप है, 33 रुपी। एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑर्डर, कैश का ऑर्डर है। और अपनी बाइक की रीडिंग नोट कर लेते हैं, 32,517 किलोमीटर चल गई भाई बाइक अपनी, और इसका मीटर मैंने ठीक करवा लिया। अब से आप लोगों को ये भी बताएंगे भाई बाइक अपनी डेली कितना चलती है, अगर मीटर सही रहा, बिकॉज मीटर के साथ अपनी और पुरानी दुश्मनी है, ये बंद होता रहता है बार बार। पिछले 1 महीने के अंदर अंदर मैंने 2 बार ठीक करवाया, फिर ये ख़राब हो गया, फिर मेरा दिमाग ख़राब हुआ, मैंने ठीक ही नहीं करवाया इसे। फिर अभी मैं सर्विस करवाने गया था, मैंने सोचा करवा ही लेते हैं यार, एटलीस्ट मेरे को भी तो पता लगेगा बाइक एवरेज कितना दे रही है वगैरह वगैरह। तो विदेशी जाना है उठाने, ये डिलीवर किधर करना होगा आई डोंट नो। आज के ऑफर भाई 22 ऑर्डर डिलीवर करने पर 300 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे, देखते हैं कि आज 22 ऑर्डर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, नज़दीक के मिलते हैं या दूर के मिलते हैं। दूर के मिलेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, नज़दीक के मिलेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, बट बैक टू बैक काम मिलना चाहिए हमें। पहुंच गए भाई रेस्टोरेंट पर, रीच पिकअप कर देते हैं, सेल्फी मांग रहा है यार, सेल्फी देते हैं पहले इसे। ऑर्डर तो भाई अपना रेडी बड़ा था यार, ऑर्डर अपने को जल्दी मिल गया। ये जाना है हरगोविंदपुरा हैबोवाल के अंदर, इसमें मैंने पैसे जमा करवा लिए भाई, आईडी अपनी बंद नहीं होनी चाहिए भाई। आज काम पेलने आया हूँ, अच्छा खासा काम पेल के जाना है मेरे को, एटलीस्ट आज के दिन का टारगेट रख लेते हैं। ऐसा टारगेट रखूँगा जो मेरे को करना मुश्किल हो, नामुमकिन सा लगे, 1800 का काम करना है आज। लेट्स सी 1800 का काम होगा नहीं होगा, कोशिश अपनी तरफ से पूरी रहेगी भाई। 1800 का काम समझ रहे हो, 9 बजे से रात 10 बजे तक, बीच में 2 घंटे की ब्रेक है, वही भाई 10-11 घंटे में। अरे अरे अरे, खतरनाक ही टारगेट रख लिया वैसे आज मैंने। अब बारिश आ जाए भाई फिर तो पेल देंगे, फिर नहीं परवाह किसी चीज की भाई, बट बारिश नहीं आती ना, यही तो दिक्कत है भाई। यार कस्टमर की लोकेशन पर तो पहुंच गया, बट कस्टमर का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, तो मैंने ये भाई लगा दिया यहाँ पर, कस्टमर नोट रीचेबल करके, ना हाउस नंबर लिखा है ना कुछ और लिखा हुआ है, ना नाम लिखा हुआ, बंदा नाम इधर उधर से पूछ करके ही डिलीवर कर देता है, कुछ भी नहीं यहाँ पर लिखा हुआ। तो मैंने टाइमर लगा दिया, फ़ोन कॉल ट्राई करेंगे बार बार 15 मिनट तक, अगर नहीं पिक किया तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। इस ऑर्डर में भाई बहुत टाइम वेस्ट हुआ, प्लस 5 रुपये का नुकसान हुआ, क्या बोलूँ यार मैं अब। ऑर्डर डिलीवर, 5 रुपये मैंने छोड़ दिए भाई, क्या बोलूँ अब। 33 शो किए लेकिन 5 रुपये इसमें नुकसान हुआ। अगला ऑर्डर भी आ गया भोला जम्मू पूरी 32 रुपये का, एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलते हैं भाई उठाने। भाई भोला जम्मू पूरी है कहाँ पर, काफ़ी दिनों बाद ऑर्डर आया यार इसका मेरे पास, कौन सा है भाई भोला जम्मू पूरी, वो रहा भाई वो रहा। फाइनली याद आ गया कि इसके पास मैं आता था उठाने, किसी टाइम में आता था भाई। देख लेते हैं ऑर्डर रेडी अपना नहीं रेडी, और जाना कहाँ पर है। चलो भाई ऑर्डर कर लिया पिक, ये जाना है गुरुदेव नगर भाई। अपने को छोटे छोटे ऑर्डर ही चाहिए यार, सुबह 11 बजे तक तो मेरे को छोटे ही चाहिए, बिकॉज बड़े ऑर्डर में बसता कुछ नहीं है यार, खाली वापस आना पड़ता है, वही 3.5-4 किलोमीटर बसता है बस। ये सराबा नगर की तरफ जाना है भाई, ये बढ़िया हो गया ना,
सराभा नगर से इधर आया था, इधर से फिर सराभा नगर भेज दिया। ये थोड़ा सही हो गया, पहले ऑर्डर में जो लॉस हुआ अब हल्का सा रिकवर हो गया, वो मान लेते हैं। चलो यार जो भी है ओवरऑल इसको डिलीवर करते हैं, पहलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अगला कहाँ से मिलता है ऑर्डर। आज के दिन का दूसरा ऑर्डर भी डिलीवर कर दिया, इसके भाई 32 रुपये मिले हैं। अभी अपने को तीसरा ऑर्डर भी बैक टू बैक ही आने वाला है भाई। आ ही गया भाई, नथू मल गुड्डू मल मलेरकोटला हाउस सिविल लाइन। भाई ये तो नेचुरल के पास जाना है उठाने के लिए, बहुत दूर का पिकअप दे दिया भाई। चलो पिक करते हैं जाकर के, 3 किलोमीटर का पिकअप है पूरा, बताओ। अरे मेरे भाई, उड़ता उड़ता मैं आ गया नथू मल गुड्डू मल के पास में। यहाँ पर है कहीं पर भाई रेस्टोरेंट, कहाँ पर है भाई जान, नथू मल गुड्डू मल, येरा भाई येरा 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 येरा। अपना ऑर्डर 4 प्लेट पूड़ी है यार इसमें। सुबह सुबह यार मोस्टली ना संडे वाले दिन पूरी छोले हो गए, नान छोले हो गए, इन्हीं चीज़ों के ऑर्डर वगैरह मिलते हैं हमें। न्यू किचलू नगर कितने किलोमीटर है, 5-5.5 किलोमीटर, हाँ 5.5 किलोमीटर है यार जहाँ से। पैसे कुछ भी नहीं मिल रहे यार सुबह सुबह, 3 किलोमीटर उठाने आया हूँ, 5.5 किलोमीटर जाना है, सिर्फ 45 रुपये मिलेंगे 3, 5, 8, 8.5 किलोमीटर के। भाई 6 रुपये किलोमीटर भी नहीं बैठ रहा, अगर वहाँ से खाली वापस आना पड़ेगा तो सोचो कुछ बचा, कुछ भी तो नहीं बचा फिर भाई, 3.5-4 रुपये किलोमीटर बैठेगा ज़्यादा से ज़्यादा, 2 रुपये 2 रुपये 20 पैसे पर किलोमीटर हमारा खर्चा रहता है, बाइक की घिसाई, पेट्रोल का खर्चा, टायर भी घिसते हैं, मतलब सब कुछ निकाल कर 2 रुपये 20 पैसे हमारा खर्चा रहता ही है। कभी कुछ बड़े खर्चे भी होते हैं बाइक पर। तो यार रास्ते में पेट्रोल पम्प था, मैंने सोचा पेट्रोल डलवा ही लेते हैं, कल वाले पेट्रोल से अभी तक काम वगैरह चल रहा था। 300 का डाल दो। 300 हाँ। अब डन डना डन है भाई, अब सिर्फ बाइक की दिक्कत रहेगी, पेट्रोल वगैरह का डर नहीं रहेगा कि लो हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, अब बस पेड़ के करना है भाई काम। चलो भाई ये ऑर्डर भी डिलीवर कर दिया, आज का अपना तीसरा ऑर्डर। अभी इधर से तो ऑर्डर पड़ेगा नहीं भाई, 45 भी मिले हैं यार, 3 ही ऑर्डर लगे हैं अभी तक। पेड़ के तो काम किए हैं भाई, बट पेड़ के काम हो नहीं रहा अभी तक। असल में ना रेट ऐसा है कि पेल के काम करने का मन नहीं कर रहा, बट फिर भी पेलता जा रहा हूँ। असली काम तो भाई 12 बजे के बाद पेलूँगा मैं, खतरनाक वाला काम पेलूँगा तब तो। अरे भाई ऑर्डर आ गया अपने पास, 12.41 किलोमीटर दूर ड्रॉप करने जाना है, 1 किलोमीटर का पिकअप है, 87 रुपये का। भाई 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 खतरनाक भाई यार, ये स्वीट शॉप ने लोकेशन ही गलत लगा रखी है, ये पता नहीं फ्लैट्स के अंदर ले गया, वहाँ पर तो मैंने पूछा, कह रहे हैं वहाँ पर तो नहीं है, तो उन लोगों ने फिर बताया कि आगे जाकर है एक स्वीट शॉप, चेक कर लो कहीं वो तो नहीं है। वो रहा दिख गया भाई, दिख गया यहीं से, दिख गया 10 पूरी है ना इसमें भाई, इतना बड़ा लफाफा, वाह जी वाह, क्या बात है क्या बात है, इतने बड़े बड़े लफाफे आएंगे कैसे भाई। ऊपर से गांठ ही बांधनी पड़ेगी भाई इसकी, तो गांठ ही बांधनी पड़ेगी। इधर अपनी वीडियो अपलोडिंग पर लगा दी भाई, 11 बजे आ जाएगी सैटरडे वाली वीडियो। ऐसे ही भाई अपना चलता है, चलते फिरते मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, चलते फिरते मैं वीडियो एडिट कर देता हूँ, इसलिए एडिटिंग अपनी ज़्यादा बढ़िया नहीं होती ना, क्योंकि सारा काम चलते फिरते करना पड़ता है मेरे को, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं होता ना कि हम वीडियो एडिट करें। कितने किलोमीटर, 13 किलोमीटर शो कर दिया भाई। मोती नगर से तो भाई खाली वापस आना पड़ेगा, ये अपना लास्ट ऑर्डर है ब्रेकफास्ट टाइम का, वहाँ से खाली आ जाएंगे सराभा नगर, अपनी ब्रेक वगैरह शुरू हो जाएगी फिर। एटलीस्ट इसका रिटर्न पे तो मेरे को उठाना है, इसलिए थोड़ा खींच के जाना है, तभी अपन पैसा कमा पाएंगे, तभी घर में रोटी खिला पाएंगे। सोया टाइम हो रहा है पूरे 10:30, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अपना टारगेट है कि 10:30 तक कस्टमर की लोकेशन पर पहुंचना है, सो उस हिसाब से हम पहुंच गए भाई। ऑर्डर डिलीवर कर दिया 4-5-7, कैश कलेक्ट किया है, लेकिन रिटर्न पे भी आ ही गया भाई, 21 रुपये रिटर्न पे आया है। अरे अगला ऑर्डर भी आ गया भाई, अरे 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 ये तो बढ़िया हो गया भाई, रिटर्न पे भी आ गया, ऑर्डर भी आ गया,
डबल डबल फायदा। सो यार 11 से 12 अपनी ब्रेक थी, 12 बजे अड़ी लॉगिन की, अपने को ऑर्डर मिल ही गया भाई 80 रुपए का, 50 रुपए टिप है भाई, इसमें 130 का ऑर्डर बन गया। अरे 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 भाई 50 रुपए टिप है यार, इसमें 130 रुपए का ऑर्डर बन गया भाई। कल जैसा माहौल बनाने की कोशिश तो चल रही है। इधर रोक लेते हैं बाइक भाई, चलो रीच पिकअप करके सबसे पहले देखें जाना कहाँ पर है। ओमैक्स रॉयल जाना है भाई, मजा आ गया यार। चलो भाई केक का ऑर्डर है पिक कर लिया, इसको इसमें रख लेते हैं और ओमैक्स में जाना है भाई। 130 रुपए का ऑर्डर है, ऐसे ऑर्डर ही तो चाहिए भाई अपने को, ऐसे ऑर्डर ही तो चाहिए कि अपनी 1800 की अर्निंग हो जाए। 130 140 ऐसे ऑर्डर मजा आ जाएगा भाई, अगर बैक टू बैक ऐसे ऑर्डर मिलेंगे ना। हाय 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 हाय, ऊपर से बादल भी आ गया भाई। आज तो लिखी हुई है बारिश, बट जब जब लिखी होती है तब तो आती नहीं, बट आज 12-1 बजे के करीब 70% चांस है, बट मेरे को लग नहीं रहा कि आएगी। जो भी होगा देखा जाएगा, पहले भाई ऑर्डर डिलीवर करने चलते हैं। भाई ऑर्डर डिलीवर कर दिया, ओमैक्स में आकर के 76 इसके मिले हैं, 76, 50 रुपीज़ में टिप मिली है, टोटल मिला करके कितने हो गए 126, नॉट बैड। 4 पे ऑर्डर अर्निंग में से कट हो गए अपने, अभी यहाँ से खाली ही वापस निकलना पड़ेगा। यहाँ पर है भाई रेस्टोरेंट, उठाएगा उठाएगा, बट हम अपना कांड कर देते हैं, खाली निकलना वापस कर देते हैं। सो यार इधर फुल्लाहाल चौक की लाइटों पर खड़ा था, अपने पास अगला ऑर्डर आ गया, 1.6 किलोमीटर का पिकअप है, 3.3 किलोमीटर का ड्रॉप है, 41 रुपी। एक्सेप्ट कर लेते हैं, मैप लगाकर चलते हैं भाई उठाने इसे। ये भी सही है यार, मैं वापस जा ही रहा था, अपने को पहले ही उठा लिया। 1.6 किलोमीटर का पिकअप जरूर है, लेकिन वैसे भी तो मैं वापस सराबा नगर जा ही रहा था, अभी सराबा नगर से पहले ही हमें ऑर्डर मिल गया। ये पता नहीं कहाँ पर जाना होगा दोबारा, ओमैक्स ओमैक्स ना भेजे यार, मेरे ख्याल से दुगरी का भी हो सकता है, राजगुरु नगर का भी हो सकता है, जहाँ भी जाना होगा देखा जाएगा, जाएंगे पहले इसको पिक करते हैं भाई जा करके। चलो भाई ऑर्डर इधर से पिक कर लेते हैं, ये जाना है मेरे को मॉडल टाउन प्रीतम नगर, प्रीतम नगर में ही जाना है। किधर से लेकर के जा रहा है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, प्रीत पैलेस के अगल बगल में है कहीं, चलते हैं भाई डिलीवर करते हैं, 3.3 किलोमीटर शो कर रहा है। चलो भाई ऑर्डर डिलीवर डन कर देते हैं, अभी अगला ऑर्डर ढूंढना पड़ेगा यार, इधर से पहले तो निकलते हैं, 41 रुपी ही मिले हैं। ऑनलाइन पेमेंट कर दी, ये भी सही है भाई। हो भाई यार बादल बादल सब उड़ जाता है, बार बार आता है बार बार उड़ जाता है यार, क्या बोलूँ यार, दिमाग खराब अलग होता है। अगला ऑर्डर भी आ गया भाई, 37 रुपी का, 2.26 किलोमीटर पिकअप है, 2.8 किलोमीटर ड्रॉप है, कर लिया भाई ऑर्डर भी खड़क सिंह के ढाबे से। एक्चुअली यार अंदर एसी लगा हुआ था ना, गर्मी वर्मी मोबाइल वोबाइल सब हीट हुआ पड़ा था, 10 मिनट लगे ऑर्डर रेडी होने को भले ही, लेकिन मैं अंदर से ठंडा होकर निकला भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैंने तो उसको बोला भाई 5 मिनट और लेने ले ले एकदम से इतनी ज़्यादा गर्मी, मतलब उसके बाद एसी में जाना लाइक डिलीवरी बॉयज़ के लिए सोने पे सुहागा हो जाता है। हाँ कभी कभी गर्म सर्द होकर हेडेक भी होता है, बट क्या करें यार, इतनी ज़्यादा गर्मी इतनी ज़्यादा हुमस, सहन से बाहर हो जाता है ना कई की बार काम, वो काम हो जाता है। और यार इस सड़क पर ना ग्रीनरी देखो यार, ऐसा लगने लग जाता है कई बार तो कि पहाड़ों में राइड कर रहा हूँ इस सड़क पर आके। इधर भी ग्रीनरी इधर भी ग्रीनरी, क्या ही ग्रीनरी है यार। आए हाय 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 क्या बात है क्या बात है, ये बीच में सूखा पेड़। चलो अब चलते हैं भाई डीएमसी में ऑर्डर डिलीवर करने। चलो भाई ऑर्डर डिलीवर डन डना डन कर दिया ये वाला भी, अगला ऑर्डर अगला ऑर्डर अगला ऑर्डर भाई, आजा आजा आजा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अरे 51 रुपये मिल गए इसके, नॉट बैड नॉट बैड, सही है, इतना शो नहीं हुआ था मे बी 51। और यार अपने पास ना 10-10, 20-20 के आ ही गए नोट, नेक्स्ट ऑर्डर कर देते हैं। मैं हूँ कहाँ पर, ऑर्डर कहाँ का पड़ रहा है, मैं घंटा का साइड हूँ, फिरोज गांधी मार्केट से ऑर्डर उठाने जाना है, ज़्यादा टेबल बाय बसंत से, 54 रुपये का ऑर्डर है भाई। चलो यार जाना ही पड़ेगा, उठाते हैं ऑर्डर टेबल बाय बसंत पे जाकर, क्या पता बीआरएस नगर वगैरह जाना हो, 4 किलोमीटर है, जहाँ तो घंटा का रहना है वापस, जहाँ बीआरएस नगर जाना है, बाकी देखते हैं।
क्या बनता है भाई इस ऑर्डर में, थोड़ी एनर्जी भरनी पड़ेगी यार, मैं क्या ढीला ढीला बोलता जा रहा हूँ, थोड़ा अपना कड़ा होना पड़ेगा भाई, तभी काम निकल पाएगा अपना। आधा घंटा लग गया यार इस ऑर्डर को भी, इन लोगों ने पर्ची ही नहीं भेजी थी ऊपर, मैं वहाँ खड़ा रहा, मैंने क्या सोचा टाइम लग रहा है टाइम लग रहा है, जब थोड़ा गुस्सा आया फिर मैं अंदर चला गया, अंदर गया तो पता लगा इन लोगों ने पर्ची नहीं भेजी, गलती इन लोगों की नुकसान हम लोगों का। क्या यार फालतू में दिमाग ख़राब हो जाता है ना, जब संडे है संडे को दिमाग ख़राब करने में लगे हुए हैं सारे रेस्टोरेंट वाले मिल करके, पहले फाउंटेन चौक वाले बसंत ने दिमाग ख़राब किया, अब फरोज गांधी वाला बसंत दिमाग ख़राब कर दिया। क्या यार भाई, मैं जितना सोच रहा हूँ खींच के काम करना है उतना रेस्टोरेंट रोक रहा है मेरे को। ये ऑर्डर भी डिलीवर कर दिया आज का 10वां ऑर्डर। ओ भाई मेरे, अब सीधा ना आप लोगों को मैं मिलूंगा भाई अपने ब्रेक टाइम में, बीरस नगर से सर्ज वगैरह हट चुका है क्योंकि इधर धूप निकल गई यार, कहाँ यार कहाँ इतना बढ़िया मौसम चल रहा था कहाँ धूप आ गई, यही होता है भाई हमारे साथ यही होता है, जब बारिश हटी तब हमें इधर भेज दिया, जब तक बारिश थी तब तक हमें इधर उधर घुमा रहे थे। सो यार जैसा कि आप लोगों को पता है कि 6 से 7 अपनी ब्रेक होती है, अभी मैं ब्रेक पर हूँ, अभी तक का काम आप लोगों को बता दूँ 8 घंटे में 18 ऑर्डर डिलीवर करके 1192 रुपये की अपनी अर्निंग हो चुकी है, जिसमें हमारा ऑफर जुड़ा है भाई 200 रुपये का, जो 18 ऑर्डर के बाद था 50 रुपी कस्टमर टिप है, ये सर्च पे है रेंज सर्च पे है 65 रुपी उठाई आज मैंने, जो ऑर्डर अर्निंग हुई है वो सिर्फ 885 है, ओवरऑल 1192 रुपये बनते हैं। तो एक कस्टमर के साथ लड़ाई हो गई थी यार, वो मेरे को बोला मैं थप्पड़ मारूंगा ऐसे करके कुछ सीन था, वो मैं वीडियो को लास्ट में बता दूंगा, उस वजह से अपना 2-3 ऑर्डर कम हो गए क्योंकि उसने 2 घंटे खराब कर दिए थे मेरे। सो यार पूरे 7 बजे अपनी आईडी लॉगिन की थी, पूरे 7 बजे अपने पास ऑर्डर आ गया भाई, बारिश के 15 रुपये एक्स्ट्रा मिले, 29 रुपये का ऑर्डर है, 15 रुपये एक्स्ट्रा 45 रुपये 1.5 किलोमीटर के, एक्सेप्ट करें भाई। ये है कहाँ पर गिल टावर, ओके ओके ओके, ये वही है भाई बेरोज बिरयानी वाला, बढ़िया वीरे बढ़िया, तुसी दसो बढ़िया, और बस लड़ाई लुड़ी चक्की जन्ने करी जन्ने, निगरों नाल लड़ाई हुई अज, कहंदा थप्पड़ मारूं तेरे, ओ यार 45 मिनट बाहर नहीं आया, मैं नोक भी किया, कंपनी ने ऑर्डर कैंसल नहीं किया, 15 मिनट तो बाद 15 मिनट लाते दोबारा, कहंदा मैं तेरे थप्पड़, मैं फोन किया तो मैं क्या भाई आई एम स्टैंडिंग हेयर फ्रॉम लास्ट 45 मिनट, यू आर नॉट पिकिंग यूर कॉल और नॉट रिस्पोंडिंग, आई एम नोकिंग यूर डोर अगेन एंड अगेन, कहंदा डोंट शाउट ऑन मी आई विल स्लैप यू, मैं फ़ोन कट करता, बाहर आया मैं क्या यू वॉन्ट टू स्लैप मी, मैं क्या स्लैप मी, मैं गल अगे करती अपनी तो मैं क्या स्लैप मी, मैं क्या देन आई विल टेल यू हु आई एम, मैं क्या यू जस्ट स्लैप मी जस्ट नाउ, हो गया फिर ठंडा यार ये उत्ते अंग्रेजी विच ही कर बोलन लग गया, अनपढ़ समझ यार अपन तो ठंडा या हो गया, फिर कहंदा यू शाउट ऑन मी, मैं क्या आई एम नॉट शाउटिंग ऑन यू आई जस्ट टेल यू आई एम स्टैंडिंग हेयर फ्रॉम लास्ट 45 मिनट आई एम कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन, है कैमरा कैमरा तो बाइक तो टंगया हुआ सी ना, जो कैमरा चलता हों फिर तो कैमरा देखी ऐसी तैसी हो नहीं सी, तो गलती होगी। भाई 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 बारिश आ रही है हल्की फुल्की, अब आप लोगों को अभी स्टोरी का पता लग ही गया होगा कि क्या हुआ, एक्चुअली बारिश फिर से आ गई तो थोड़ी तेज होगी ना बारिश, फिर अपन अपना कैमरा वैमरा बंद करके ना इसको जेब में डाल लेंगे भाई, बारिश में काम ना काम तो करना है, काम तो भाई क्यों नहीं करेंगे, काम तो मज़े में करेंगे, मेरे कहने का मतलब बारिश में व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा। हाँ पीछे बहुत तेज बारिश हो रही है, उसका हल्का फुल्का पानी इधर आ रहा है, अभी जब इधर होगी तो इतनी तेज होगी ना भाई, मतलब बारिश के पहले पहले एक दो ऑर्डर निकाल लूँ, बारिश में ज़्यादा ऑर्डर नहीं निकलेंगे बट हाँ टिप विप अच्छी मिल जाती है यार, मल्टी पे मल्टी आता है। अरे 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 ये क्या गिरा ऊपर से, कुछ तो गिरा मेरे ऊपर, छोड़ो कुछ भी गिराओ अपने को क्या, चलते हैं भाई अपना ऑर्डर पिक करने। तो यार अभी टाइम हो रहा है रात के 10:40 और अभी जाकर के मैं घर पहुंचा हूं भाई, एक्चुअली आज पता एक कस्टमर ने मिसबिहेव किया मेरे साथ, देखो KFC का ऑर्डर था 1.5 किलोमीटर दूर जाना था, मैंने उठाया वेस्टर्न वर्ल्ड KFC से, मैं ले गया भाई उसकी लोकेशन पर चला गया, मैं वहां पर उसको कॉल किया, 5-7 मिनट मैंने कॉल ट्राई किया, उसने उठाया नहीं, मैंने नोक भी किया उसका डोर भी नहीं खोला उसने, उसके बाद फिर मैंने जो लाइव ऑर्डर हेल्प में जाके ऑप्शन होता है कि कस्टमर नॉट रीचेबल और आंसरिंग,
वहां पे 15 मिनट हमें वेट करना रहता है, उसके बाद कंपनी ऑर्डर को कैंसिल कर देती है या कह देती है कि इसके डोर में रख दो, फोटो खींचकर वहीं रखकर आ जाओ। तो क्या हुआ, वो 15 मिनट खत्म हुए, कंपनी ने अगले 15 मिनट लगा दिए, वो 15 मिनट भी खत्म हुए भाई, कंपनी ने अगले 15 मिनट भी लगा दिए, वहां पर खड़े खड़े मेरे को 45 मिनट हो गए। फिर कस्टमर ने कॉल उठाई, भाई देखो गर्मी में खड़े हैं, हुमस में खड़े हैं, हल्का फुल्का गुस्सा तो आएगा ही ना। कस्टमर ने कॉल उठाई, वो निग्रो होते हैं ना जो, वो था, तो बोला आई एम कमिंग। मैं क्या वेट ब्रो वेट लिसन। मैं क्या आई एम स्टैंडिंग हियर फ्रॉम लास्ट 45 मिनट, यू आर नॉट पिकिंग योर कॉल और नॉट, आई एम नॉकिंग योर डोर एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो ऐसे करके मैंने बोला, मेरे को बोला डोंट शाउट आउट मी, आई विल स्लैप यू। मैंने बोला है, मैंने इस पर कब शाउट कर दिया, मैंने तो जस्ट इसको बताया कि भाई 45 मिनट हो गए मेरे को यहाँ खड़े हुए। मैंने फोन कट किया, वो बाहर आया, मैंने बोला यू वॉन्ट टू स्लैप मी, स्लैप मी, मैंने अपनी गाड़ आगे कर दी। मैंने बोला स्लैप मी ब्रो, आई एम स्टैंडिंग हियर फ्रॉम लास्ट 45 मिनट, यू नो व्हाट द टेम्परेचर, जस्ट कम विद मी एंड स्टैंडिंग हियर एटलीस्ट 10 मिनट। तो मैंने बोला यू वॉन्ट स्लैप मी, स्लैप मी, यू स्लैप मी देन आई विल टेल यू हु आई एम। भाई हम लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों की इज्जत नहीं है, किसी ना किसी मजबूरी में फंसे हुए हैं सभी लोग, तभी लोग जोमेटो में स्विगी में काम करते हैं, किसी को शौक नहीं है अपनी ऐसी तैसी करवाने का। एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, उसको ठोस पहुंची कल, क्योंकि अगर मैं उसको आगे से कोई तगड़ा जवाब दे देता ना, वो मिसबिहेव का डाल देता, तो उसको कुछ नहीं होता, कंपनी हमारी आईडी टर्मिनेट करती, कंपनी हम लोगों की नहीं सुनती, ये मैं हर वीडियो में बताता हूं। कल बहुत दिमाग खराब हुआ मेरा इसके बारे में सोच सोच करके, ये इज्जत है यार डिलीवरी बॉयज की, कोई भी जना खाना बंदा आके बोल देगा थप्पड़ मारूंगा, अगर कहीं वो मार देता ना भाई, फिर मैं जॉब की परवाह नहीं करता, फिर मैं भी कुछ ना कुछ करता। तो चलो ये तो सीन था जो आप लोगों को बताना जरूरी था। अभी बात करते हैं आज की अर्निंग की। जैसा कि यार मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आज अपन करेंगे 1700-1800 की अर्निंग, 1800 की अर्निंग, लेकिन वो यार वहां पर सवा घंटा बर्बाद हुआ, उस वजह से अपना अपन 1700 की अर्निंग पर ही अटक गए। आज पेट्रोल लगा जो वो 280-290 रुपए का लगा, बाइक चली जो वो 195 किलोमीटर चली, सुबह 500 सुबह की रीडिंग आप लोग देख लेना वीडियो में, रात की रीडिंग की मैं फोटो डाल दूंगा, 195 किलोमीटर के करीब चली अपनी बाइक। बस यही था आज का दिन, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले।